इसके साथ ही इनको मैं ये भी बताना चाहती हूँ कि इसमें भी कोई संदेह नहीं है कि यदि उत्तर प्रदेश सहित पूरे देश में खासकर दलित, आदिवासी, पिछड़ा वर्ग, मुस्लिम व अपर कास्ट समाज में से गरीब तबका भी बीएसपी में जुड़ जाता है, तो फिर ये लोग बीएसपी की मुखिया को पुणे यहाँ यूपी का मुख्यमंत्री बना सकते हैं, और इतना ही नहीं बल्कि आगे चलकर देश का प्रधानमंत्री भी बना सकते हैं, क्योंकि इन वर्गों के वोटों में बहुत बड़ी ताकत है, बशर्ते यदि ये लोग एकजुट होकर बीएसपी से जुड़ जाएं और चुनाव में किसी भी प्रकार से गुमराह ना हो, किसी भी प्रकार के बहकावे में ना आए। इसलिए मैं अपनी ज़िंदगी में यूपी की फिर से मुख्यमंत्री बनने व आगे चलकर देश का पीएम बनने का ही सपना देख सकती हूँ, लेकिन देश का राष्ट्रपति बनने का तो सपना मैं कभी भी नहीं देख सकती हूँ। ये भी मैं इनको बताना चाहती हूँ, क्योंकि मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी ऐश आराम के लिए नहीं बल्कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एवं मान्यवर श्री कांशीराम जी के बताए हुए रास्तों पर चलकर वह कदम कदम पर कड़ा संघर्ष करके इनके अनुयायियों को व खासकर दबे कुचले लोगों को अपने पैरों पर खड़ा करने के लिए समर्पित की है। ये भी इनको मालूम होना चाहिए। इसके अलावा ये बात भी सर्वविदित है कि ये कार्य दबे कुचले लोगों को अपने पैरों पर खड़ा करने का ये कार्य मैं देश का राष्ट्रपति बनकर नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश का सीएम व देश का पीएम बनकर ही कर सकती हूँ। इसलिए सपा के लोग अपने राजनीतिक स्वार्थ में मुझे ज़बरदस्ती राष्ट्रपति बनाने का जो सपना देख रहे हैं, तो उसे इनको भूल जाना चाहिए, कोई फ़ायदा नहीं। जबकि इस मामले में हकीकत यह है कि सपा वाले मुझे देश का राष्ट्रपति बनाने का सपना इसलिए देखते रहते हैं ताकि उनके लिए यूपी का सीएम बनने का रास्ता साफ हो जाए, जो ये कदापि संभव नहीं हो सकता है, क्योंकि इस बार चुनाव में यूपी के मुसलमानों व यादवों ने भी इनको एक तरफा अपना वोट देकर देख लिया है। इनका कई पार्टियों से किया गया गठबंधन भी इन्होंने देख लिया है, लेकिन इसके बावजूद भी सपा अपनी सरकार बनाने में कामयाब नहीं हो सकी है। ऐसे में मुझे पूरा भरोसा है कि अब वे आगे इनके बहकावे में कतई भी नहीं आएंगे और वे फिर से यहाँ यूपी में बीएसपी की अपनी सरकार जरूर बनाएंगे। वैसे भी अब सपा मुखिया को ये एहसास हो चुका है कि आगे किसी भी चुनाव में अब ये लोग इस पार्टी के बहकावे में कतई भी नहीं आएंगे, और ऐसे में अब ना ही आगे सपा कभी भी यहाँ सत्ता में आसीन हो सकती है। इसलिए अब वो विदेश भागने के भी फिराक में है, जहाँ उसने पहले से ही अपना काफ़ी बंदोबस्त कर लिया है। ये भी इनके बारे में प्रदेश में काफ़ी जोरों में आम चर्चा है। इसके साथ साथ यहाँ मैं ये भी बताना चाहती हूँ कि यूपी में बीएसपी की सरकार में दलित, आदिवासी व पिछड़े वर्गों में जन्मे हमारे महान संतों, गुरुओं व महापुरुषों आदि के आदर सम्मान में जो स्मारक व पार्क आदि बनाए गए थे, तो उनके रख रखाव को लेकर सपा सरकार में तो बहुत ज़्यादा और अब भाजपा सरकार में भी काफ़ी ज़्यादा उपेक्षा हो रही है, जिसकी वजह से अब आए दिन सभी स्थलों की हालत काफ़ी ज़्यादा खराब हो चुकी है। और इस मामले में फिर से मैं वर्तमान भाजपा सरकार का ध्यान आकर्षित कराने के लिए मैं रिपीट कर रही हूँ, बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि मीडिया बहुत गलत तरीके से इसको हाईलाइट कर रहा था। और इस मामले में फिर से वर्तमान भाजपा सरकार का, क्योंकि
सरकार का ध्यान आकर्षित कराने के लिए आज मेरी चिट्ठी को लेकर बीएसपी का प्रतिनिधिमंडल, बीएसपी का एक प्रतिनिधिमंडल अर्थात श्री एस सी मिश्रा राज्यसभा सांसद व राष्ट्रीय महासचिव बसपा एवं श्री उमा शंकर सिंह बीएसपी विधानमंडल दल के नेता आदि यूपी के मुख्यमंत्री योगी जी से मिले हैं इन स्थलों को लेकर। इस संबंध में मैंने चिट्ठी लिखी मुख्यमंत्री जी को और इन दोनों को मैंने भेजा, आप चिट्ठी लेकर जाओ और उनको डिटेल में इन स्थलों की जो खराब हालत है उसके बारे में अवगत कराओ ताकि इन स्थलों की हालत सही हो जाए, इस ओर सरकार ध्यान दे। मैं उनसे यही उम्मीद करती हूँ कि वे इस मामले में अब जरूर उचित व ठोस कदम उठाएंगे। चिट्ठी की कॉपी भी मीडिया को दे दी जाएगी क्योंकि जो गलत प्रचार कर रहे हैं आज ये दोनों मिले हैं, ये तो मेरी चिट्ठी लेकर मिले स्मारकों को लेकर कि स्मारकों की हालत बहुत ज़्यादा खराब है और इस ओर सरकार ध्यान दे। और जो चिट्ठी लेकर मिले वो कॉपी भी हम मीडिया को भेज देंगे, ये भी मैं बताना चाहती हूँ। इसके साथ ही इस समय देश में रमजान का महीना चल रहा है लेकिन जिस प्रकार से इस दौरान बिजली की कटौती की जा रही है ये सब ठीक नहीं हो रहा है। इस मामले में केंद्र व सभी राज्यों की सरकारें जरूर सख्त व कठोर कदम उठाएं, बीएसपी की ये पुरजोर मांग है। इन्हीं खास अनुरोधों के साथ ही अब मैं अपनी बात यहीं समाप्त करती हूँ, धन्यवाद। सुप्रीमो को अभी आप सुन रहे थे। चूंकि अखिलेश यादव की तरफ से एक बयान दिया गया था कि बसपा ने बीजेपी को वोट दिया, क्या मायावती को राष्ट्रपति बनाएगी बीजेपी, ये अखिलेश यादव ने सवाल उठाया था और इसी पर बसपा सुप्रीमो मायावती पलटवार कर रही थी। वो कह रही थी कि सभा के बहकावे में अब लोग नहीं आएंगे, इसीलिए अब वो विदेश भागने की फिराक में, जहां अपने बंदोबस्त भी समाजवादी पार्टी ने कर रहे हैं। और साथ ही ये भी कहा कि बीजेपी के साथ मिली हुई है समाजवादी पार्टी, बीजेपी की वापसी के लिए सपा जिम्मेदार है, सपा बीजेपी ने चुनाव को हिंदू मुस्लिम रंग दिया, ये कहती हुई बसपा सुप्रीमो मायावती और अखिलेश यादव के उस बयान पर पलटवार करती हुई नजर आई जिसमें अखिलेश यादव ने कहा था कि क्या मायावती को राष्ट्रपति बनाएगी क्या बीजेपी, ये सवाल अखिलेश यादव ने उठाया और अब इस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बसपा सुप्रीमो मायावती ने जवाब दिया है और ये कहा है कि बीजेपी की वापसी के लिए समाजवादी पार्टी ही जिम्मेदार है, सपा बीजेपी ने चुनाव को हिंदू मुस्लिम रंग दिया है, बीजेपी के साथ समाजवादी पार्टी मिली हुई है, राष्ट्रपति बनने का सपना नहीं है, ये बसपा सुप्रीमो मायावती की तरफ से कहा गया। लगातार हम आपको ये बयान दिखा रहे हैं जो बसपा सुप्रीमो मायावती की तरफ से दिया गया है, राष्ट्रपति बनने को लेकर जो अखिलेश यादव की तरफ से निशाना साधा गया बसपा सुप्रीमो पर, उसी पर पलटवार करती हुई इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए बसपा सुप्रीमो नजर आए और ये कहते हुए नजर आए कि बीजेपी की वापसी के लिए समाजवादी पार्टी ही जिम्मेदार है, सपा बीजेपी ने चुनाव को हिंदू मुस्लिम रंग दिया है, सपा के बहकावे में अब लोग नहीं आएंगे, ये बसपा सुप्रीमो की तरफ से कहा गया। तो अखिलेश यादव की तरफ से हाल ही में एक बयान सामने आया जब अखिलेश यादव मीडिया से बात कर रहे थे, कई मुद्दों का जिक्र कर रहे थे, इसी बीच उन्होंने आजम खान को लेकर भी बोला था लेकिन बसपा सुप्रीमो को लेकर अखिलेश यादव ने यह सवाल उठाया कि बसपा ने बीजेपी को वोट दिया, क्या अब मायावती को राष्ट्रपति बनाएगी क्या बीजेपी, ये सवाल अखिलेश यादव ने पूछा और अब इस सवाल पर पलटवार करती हुई बसपा सुप्रीमो मायावती प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए उन्होंने अखिलेश यादव के इस सवाल का जवाब दिया है और ये कहा है कि बीजेपी के साथ समाजवादी पार्टी मिली हुई है, राष्ट्रपति बनने का सपना नहीं है, ये बसपा सुप्रीमो मायावती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए अभी अपने बयान के दौरान तमाम बातों का जिक्र किया और ये कहा कि सपा के बहकावे में लोग नहीं आएंगे, जनता यूपी की सपा के बहकावे में नहीं आएगी, समाजवादी पार्टी बीजेपी के साथ मिली हुई है, ये आरोप भी बसपा सुप्रीमो की तरफ से लगाया गया है और ये कहा कि बीजेपी की वापसी के लिए समाजवादी पार्टी ही जिम्मेदार है, सपा बीजेपी ने चुनाव को हिंदू मुस्लिम रंग दिया, ये कहती हुई बसपा सुप्रीमो मायावती। बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं
बयान लगातार दिखा रहे हैं जो बसपा सुप्रीमो की तरफ से दिया गया और कहा गया कि राष्ट्रपति बनने का सपना नहीं। ये कहती हुई अखिलेश यादव के सवाल पर बसपा सुप्रीमो। अमीक जी मई हमारे साथ सपा प्रवक्ता इस वक्त जुड़ गए। अमीक जी बहुत स्वागत है आपका जी मीडिया पर। बसपा सुप्रीमो मायावती और सवाल का जवाब दे रही हैं जो अखिलेश यादव ने उठाया कि क्या आप मायावती को राष्ट्रपति बनाएगी बीजेपी, लेकिन बसपा सुप्रीमो कह रही है कि आप ही बीजेपी के साथ मिले हुए हैं। देखिए मानी हमारी जो बहन जी है, जो रास्ता था अम्बेडकर और मान्य काशीराम का जो रास्ता था उससे वो तकरीबन पूरी जो है वो पार्टी जो है वो भटक चुकी है। और इस पूरे चुनाव में 2022 के विधानसभा के चुनाव में समाजवादी पार्टी ने अंबेडकर और लोहिया के रास्ते पर एक लाइन ली और हमारे वोट परसेंटेज पूरे उत्तर प्रदेश में हर समाज का शोषित वंचित तबकों का समाजवादी पार्टी को ताकत मिली। ये अलग बात है कि हम सरकार बनाते बनाते उससे जो है थोड़ा सा पीछे रह गए, लेकिन जो चुप्पी है, खामोशी है बहन मायावती जी की, जिस तरह से वो हम दस देखते हैं कि 10 साल तो हुई है वो सड़क पे नहीं है, वो मैदान में नहीं है, वो बीजेपी आरएसएस की जितनी भी जन विरोधी नीतियां हैं, अगर आप किसान आंदोलन ले लें, अगर आप एनटीसी मूवमेंट ले लें, तो वो साफ तरीके से बीजेपी की सेंट्रल पॉलिसीज के साथ दिखती है। तो इसीलिए ये बात कही गई है कि अगर बीजेपी का कोई उनके साथ टाई अप है तो बनाए, खुल के बना दे उनको। माननीय राष्ट्रपति जी देख, लेकिन वो तो कह रही है कि मुझे राष्ट्रपति नहीं बनना, मुझे प्रधानमंत्री बनना है। नहीं मतलब महिला है वो, मतलब बहुत खुशी की बात है कि महिलाओं उनको उनको वहां तक की बात को सोचना चाहिए, लेकिन जो उनके कदम हैं, जो उनकी पार्टी की सेंटर में नीतियां हैं वो बीजेपी नरेंद्र मोदी जी के साथ टाइप के साथ आगे बढ़ती हैं, चाहे राज्यसभा में लोकसभा में उनकी पिछली जो प्रेजेंस रही है वो देखती है कि जितनी भी जन विरोधी नीतियां हैं या तो वो उसमें खामोश है, या तो उसमें वोटिंग में गायब है, या तो उसमें उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को कहा कि पूरे उत्तर प्रदेश में किसान आंदोलन में कहीं पे बीएसपी दिखनी नहीं चाहिए। सवाल ये है कि जब आज पूरा गरीबी महंगाई उरूज पर है, बेरोजगारी उरूज पर है, लॉ एंड ऑर्डर के मामले में आप देख रहे हो उत्तर प्रदेश के अंदर हाहाकार मचा हुआ है, और जब आप खामोश हो इसका क्या मतलब है? खामोशी का मतलब ये है कि आप कहीं ना कहीं उनके साथ आप स्टैंड करते हो। लेकिन अभी जिस तरह बसपा सुप्रीमो कह रही हैं, वो कह रही हैं कि अब आपके बहकावे में जो जनता अभी तक आई है, आगे ये जनता भी इतनी भी जो इस बार आपके चुनाव में प्रदर्शन रहा उस पर जिक्र करती हुई बोलती हैं कि इस बार जो जनता आपके बहकावे में आई कि आगे नहीं आएगी, विदेश का जिक्र भी कर रही है कि जहां आपने अपने बंदोबस्त किए हुए हैं। देखिए बीजेपी आरएसएस एक बहुत ही घोर आरक्षण विरोधी, सामाजिक न्याय विरोधी और बाबा साहब अम्बेडकर के जो पूरे सपनों की जो विरोधी पार्टी है उसके सामने मजबूती से अगर वैचारिक रूप से अगर कोई आज बीजेपी आरएसएस से टक्कर ले रहा है तो वो माननीय अखिलेश यादव जी हैं, और उनके पीछे वो करोड़ों शोषित वंचित तबके हैं, नौजवान हैं। ठीक है, आपने कई मुद्दों का जिक्र किया कि इस वक्त खामोशी बरत रही है बसपा सुप्रीमो उत्तर प्रदेश में जो इस वक्त हो रहा है, कानून व्यवस्था का भी आप जिक्र कर रहे थे, महंगाई का भी, लेकिन मुद्दे वो भी बहुत सारे हैं जिसमें समाजवादी पार्टी भी इस वक्त चुप्पी साधे हुए है और उसका खामियाजा भी भुगतना पड़ रहा है। बहरहाल बहुत